नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप वुड का जो क्यूबिक फीट है, घन फीट होता है, वो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कि बहुत टाइम होता है क्योंकि हमको लकड़ी का जो शॉप होता है या जो लकड़ी का मिल होता है वहाँ पर वुड हम लोग खरीदने जाते हैं, लेकिन हम लोग ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पाते कितना घन फीट हुआ, कितना स्क्वायर फीट हुआ, और उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो आज वीडियो में अंत तक वीडियो देखिए, हर एक ग्रेडर्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का लकड़ी हुआ, मतलब जो इस टाइप का लकड़ी होता है इस साइज का, तो उस लकड़ी के लिए कैलकुलेशन हम बताएंगे। तो सबसे पहले वुड को नापने के लिए आपको एक फीता का जरूरत है, या यहाँ पर हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे इसको मापने के लिए। और तो कितना हो रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको चारों साइड का माप लेना है। सबसे पहले इस साइड का माप लेना है। तो इस साइड का माप जो हो रहा है, देखिए ये इस साइड जो स्केल का है वो इंच में है, और टोटल मेरा 12 इंच का ये स्केल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से देख पाएंगे तो ये डेढ़ इंच हो रहा है, इस साइड लगभग डेढ़ इंच हो रहा है, मतलब एक यहाँ से और यहाँ तक डेढ़ इंच है। और इस साइड तो सेम होगा, और इस साइड को नाप करेंगे तो इस साइड भी डेढ़ इंच ही हो रहा है, ठीक है। और इसको लंबाई देखेंगे यहाँ पर, तो इसका लंबाई जो है वो देखिए स्केल के हिसाब से लगभग एक फीट का हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे जो ड्राइंग में करके रखा हूँ तो यहाँ से देखेंगे, और यहाँ पे जो इंच का और फीट का जो प्रॉब्लम, मतलब गलती होता है कि इंच को हम फीट में कैसे, फुट में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम अभी यहाँ से जो नाप हमने लिया है वो यहाँ से हम लिख देते हैं यहाँ पर ड्राइंग पे। तो देखिए मैंने जो इसका लंबाई है तो हम यहाँ पे लिख देते हूँ एक फीट है, एक फीट लंबाई है, ठीक है। और इस साइड का जो लंबाई है, इस साइड जो है वो है 1.5, डेढ़ इंच था, तो मैं डेढ़ इंच लिख देता हूँ। और इस साइड भी जो है ये भी मेरा डेढ़ इंच का है, 1.5 इंच का, ठीक है। तो और ये जो लंबाई है ये तो मैंने आपको बता दिया एक फीट का है। तो अभी हमको कैलकुलेशन करना है। तो इसको हम अगर जो क्यूबिक फुट का जो फार्मूला होता है वो है आपका टोटल, मतलब क्यूबिक फीट होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हम लोगों का हाइट है, इसको हम एच लिख देते हैं, और ये है आपका ब्रेथ, तो हम इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया लेंथ, तो इसको लेंथ जो है इसको हम यहाँ से, मतलब ये लंबाई जो है तो ये एल लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, तीनों लिख देते हैं। तो अभी लंबाई का जो, मतलब घन फीट का फॉर्मूला होता है, होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये से टोटल इतना कितना घन फीट, मतलब क्यूबिक फीट है, तो यहाँ से निकल जाता है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले ये जो लेंथ जो है सबको फीट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोगों का जो मिल में जो, मतलब पैसा चुकाना होता है वो हम लोगों का क्यूबिक फुट के हिसाब से चुकाना होता है। तो सबसे पहले हम जो लेंथ है यहाँ से लिखना है, लेंथ तो हम लोगों का एक फीट है, तो फीट को हमको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, तो एक फीट हम लिख देते हैं। उसके बाद जो ब्रेथ है यहाँ से, मतलब बी जो है वो हम लोगों का डेढ़ इंच है, 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच को हम लोगों का कन्वर्ट करना है फीट में, ठीक है। तो इसको हम जो फीट के में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों का जो करना होता है वो है 12 से डिवाइड करना होता है। तो हम आपको डिवाइड करके अभी भी दिखाएंगे। तो मैं अभी कैलकुलेटर ले लेता हूँ यहाँ पर, दूसरा मोबाइल का कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ से, मतलब यहाँ से डिवाइड 12 हो जाएगा, भागा 12, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 12, तो इक्वल टू ये हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, मतलब यहाँ से देख ले 1.5, ठीक है, डिवाइड 12 कर देते हैं। तो देखिए 0.125, आप यहाँ से देख सकते हैं 0.125 आया है 12 से भागें, मतलब ये 0.125 ये इतना फीट आ गया, मतलब डेढ़ इंच को हम फीट में करेंगे तो ये होगा। उसके बाद ब्रेथ हो गया, उसके बाद हाइट जो है, हाइट भी
1.5 इंच है, तो इसको भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी हम 12 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही आएगा क्योंकि दोनों सेम है। दूसरा कुछ नाप होता है दूसरा करना पड़ता है, दूसरों से मतलब 12 से डिवाइड करना होता है, तो 1.5 से भी यहाँ पर भी 12 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेम 0.125। ठीक है, ये भी ये फीट में हो, ये अभी फीट में हो गया, एफ टी लिख देते शॉर्ट में। तो अभी इसका टोटल क्यूबिक फुट कितना होता है इस वुड का वो हम देख लेते हैं। तो क्यूबिक फुट का फॉर्मूला जो मैंने बताया एल इंटू बी इंटू एच, तो अभी यहाँ पर से हम लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो एल कितना है हम लोग का एल वन है, यहाँ से देख लेते हैं एल जो है यहाँ पर वन फीट है। उसके बाद बी जो है, बी मतलब ये वाला बी मतलब हम फिट कर लेना है, तो ये वाला है 0.125 और एच, उसके बाद एच आता है, एच कितना है 0.125। तो हम इस तीनों को अभी कैलकुलेटर से गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले एल जो है वन, ठीक है, उसके बाद गुना बी है 0.125 गुना ब्रेथ भी है 0.125। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक फुट 0.015, ये फुट 0.015, ये हो गया इतना क्यूबिक फीट, क्यूबिक फुट। तो जो हम लोग सी एफ टी कहते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म है क्यूबिक फीट। तो ये मिल में हम लोग मिल में जो सी एफ टी लिखते हैं तो ये आपको ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो राउंड शेप का जो वुड होता है, ये तो मैंने इस शेप का बताया, जो दूसरा जो राउंड शेप का वुड होता है या दूसरा शेप का, उसका वीडियो हम अगले, इसको कैलकुलेशन अगले वीडियो में हम पोस्ट करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, जो भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो हर एक वुड का हम बताएंगे इस वीडियो चैनल पे, तो भी चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।